खोल दे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, जोर जोर से, जोर जोर से, जोर से बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, ए नासी पे ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल रे साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल रे साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, मोदी जोगी पे ऊंचा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, आरएसएस का खोल दे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, आजादी, ऐ हक के हमारी आजादी, ऐ हक के तुम्हारी आजादी, ऐ जान से प्यारी आजादी, ऐ प्यारी प्यारी आजादी, ऐ प्यारी प्यारी आजादी, सुनसान सड़क पे आजादी, सुनसान सड़क पे आजादी, महिलाएं मांगे आजादी, पुरुष भी बोला आजादी, अरे बोल मजूरा आजादी, अरे बोल दलिता आजादी, अरे बोल दलिता आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तो भुखमारी से आजादी, तो समंतवाद से आजादी, तो मनुवाद से आजादी, तो जातिवाद से आजादी, तो पूंजीवाद से आजादी, तो भेदभाव से आजादी, तो मोदी वोदी से आजादी, तो जोगी वोगी से आजादी, तो तड़ी पार से आजादी, तो बेरोजगारी से आजादी, तो धर्म वर्म से आजादी, तो अम्बेडकर वाली आजादी, तो बिरसा वाली आजादी, तो फूले वाली आजादी, तो फातिमा वाली आजादी, तो गांधी वाली आजादी, तो अशफाक वाली आजादी, तो आजाद वाली आजादी, आजाद देश में आजादी, आजाद देश में आजादी, मैं हक के हमारी आजादी, मैं हक के तुम्हारी आजादी, अरे सुन ले मोदी आजादी, अरे सुन ले जोगी आजादी, अरे सुन ले मोदी आजादी, तुम पुलिस बुलाओ आजादी, तुम डंडे मारो आजादी, तुम जेल में डालो आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, हम नहीं झुकेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तो एनआरसी से आजादी, तो एनआरसी से आजादी, तो सीएए से आजादी, तो एनपीआर से आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तुझे देना पड़ेगा आजादी, सुन ले मोदी आजादी, मैं सुन ले मोदी आजादी, है हक हमारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। बहुत अच्छा ऑफिशियल, एक मिनट अच्छा सुनिए, इसके बारे में शुरू करना ऑन माय राइट ऑफिशियल। आज खिरगांव में आप लोग प्रोटेस्ट किए, क्या मकसद था इस प्रोटेस्ट के पीछे? इस प्रोटेस्ट का मकसद सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान में जो फासिस्टवादी ताकतें गद्दी पर बैठी हुई हैं और अपना मनमानी आए दिन करते चली आ रही, मतलब अभी तक तो हम चुप थे, चुप थे तो लोग समझते थे कि बुजदिल हैं, और अब जब हम बोलने पर उतारी हुआ है तो कह रहे हैं कि इन लोगों का हरकत अब इन्हें ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीका से इन्होंने 3 तलाक लाया, मुसलमान खामोश रहा, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, चूँकि न्याय सर्वोपरि है, कानून ने जो फैसला दिया मुसलमान चुप रहा, धारा 370 कश्मीर में लागू किया हम चुप रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब तुम हमारे से नागरिकता की बात करने लगे हो कि इस हिंदुस्तान में कौन हिंदुस्तानी है और कौन बाहरी है। तो भाई ये कहना चाहूँगा मुहर्रम ऑफिशियल ट्यूब चैनल से कि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए कि ये धमकी वमकी से मुसलमान डरने वाला नहीं है, और ये सरकार चेत जाए कि हमारी आबादी, हमें मुसलमानों को डर नहीं है। गृहमंत्री तो कह दिए कि डरने की जरूरत नहीं मुसलमान, फिर किस चीज का? ऐसे भी मुसलमान किसी भी मामला में डरने वाला नहीं है, लेकिन ये लड़ाई संविधान के लिए हो रही है। हिंदुस्तान में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कानून लाया था
जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कल 26 जनवरी है और पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी में जुटा है। तो ऐसा गणतंत्र दिवस किस काम का जिसमें हिंदुस्तान के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग आपस में स्थिति टकराहट की हो गई है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो एनआरसी सीएएनपीआर के सपोर्ट में उतरे हैं, वो ये बात भूल रहे हैं। हमारे साथ 80% लोग हिंदुस्तान की, खास करके दबे कुचले दलित वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग इस मुहिम में हमारे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व इस देश को, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि लोहरदगा में इसी झारखंड में कुछ लोगों ने प्रोस्टेट के खिलाफ ढेला पत्थर और तनाव फैलाने का जो काम किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड में सामाजिक न्याय की सरकार बनी है और वो मोटी चमड़े वाले लोग, ये तुम समझ जाओ कि अब यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है जो सभी दबे कुचले अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, दलितों ने मिलकर बनाया है। ये कानून झारखंड में तो चलने से रहा, पूरे हिंदुस्तान में भी इसे नहीं चलने दिया जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारे संजय साहब का बयान सुनी लिया। भाई ये शुरू से लगे हुए हैं, सुबह से आए हैं ये, उसके काफ़ी पहले मीटिंग से भी पहले आए थे, मीटिंग में भी आए थे। ये इन्हीं लोगों का देन है। आइए इनसे बात करते हैं, हमारे एजाज अहमद भाई से वॉलेंटियर साहब से, क्या कहना आपका इस प्रोटेस्ट पे? देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ था तो उसका दो बेसिस था, एक था, दो कह लीजिए गिरोह थे, एक था मुस्लिम लीग और दूसरा था हिंदू राइट एडवोकेट। ये दो एडवोकेटिंग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, हिंदू राइट जिसको हिंदू महासभा कहते हैं, उनका कहना था कि हिंदुस्तान हिंदू मुल्क है, और जो मुस्लिम लीग था उसका कहना था कि हम अलग एक मुसलमान का कौम हैं। तो इसी पर टू नेशन थ्योरी का बेस बना, ठीक है, तो अब पाकिस्तान बना, तो धर्म के नाम पर बना, वो किनारे चले गए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। साफ अल्फाज में ये समझ लीजिए कि हमारा ठहरना ही साबित करता है कि हमें उससे मतलब कोई मतलब नहीं। हमारा ठहरना इस बात का गवाह देता है कि हम इस हुब्बुल वतन मिनल ईमान, जो हदीस शरीफ कि वतन से मोहब्बत ईमान की दलील है, तो हम मुसलमान जितने ईमान से मोहब्बत करते हैं तो वतन से ही मोहब्बत करते हैं। तो इसके लिए वो जो उस वक्त जो आवाज़ उठाई गई, हिंदू राइट आवाज़ उठाया, मुस्लिम लीग आवाज़ उठाया, तो पाकिस्तान बना गया। अब पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान में जितने जी शऊर लोग थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, बिस्मिल जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, मौलाना खान साहब थे और दीगर मजाहिब के लोग जो इस देश की मिट्टी को जानते थे कि इसमें किसका खून है, मोइनुल हक थे और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसको इस देश को एक ताकत दिया। ताकत क्या था? एक संविधान, एक ऐसी ताकत दिया जिसका नक्शा बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी ने इसको पूरा इसका डेमोग्राफिक पूरे हिंदुस्तान का मुआयना किया, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग समाज में गए, अलग अलग जाति के धर्म से लोग। अभी आप देखिए कि एक किलोमीटर दो किलोमीटर बाद जाइएगा तो आपको भाषा बदल जाएगा, आपको रहने सहने का चाल चलन बदल जाएगा, और आगे जाइएगा तो कुछ और बदलाव मिलेगा। तो इसी को बोला जाता है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, कि इतने भेदभाव, मतलब इतना होने के बाद भी कोई भेदभाव नहीं है। हम वहाँ जाते हैं तो उसका कल्चर को अपनाते, वो हमारे यहाँ आते हैं तो हम उसके कल्चर को अपनाते हैं। तो ये सब मामला है कि देश खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था 1947 के बाद, इस तरीके के कोई मामलात नहीं होते थे। लेकिन जो हिंदू राइट जिसको बोला गया था, जो डिमांड किया था, तो उनको उस वक्त जो हमारे दी शऊर जो ताकतवर सेक्युलर माइंड लोग थे, हिंदुस्तानी, असल में जो हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तान को खूबसूरत नक्शा बनाए, उसमें एक प्रियम्बल था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आप समझिए इस चीज़ की मेरी बात में, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि आर्टिकल 14, 15 और 20 में शायद, या 21 में काले, उसमें है कि धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, है ना, कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अकॉर्डिंग द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसमें बताया गया है कि धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आइए इस बिल की तरफ, ये तो कानून बन गया, भेदभाव नहीं किया जाएगा,
अब इस कानून पर आते हैं, अब एक कानून लाया गया जिसको काला कानून कह लीजिए, गंदा कानून कह लीजिए, भद्दा कानून कह लीजिए, मनुवादी कानून कह लीजिए, देश को तोड़ने वाली कानून कह लीजिए, जितना आप गैर जिम्मेदाराना अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं वो नहीं, ऐसा गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल नहीं किसी को ठेस पहुंचे, उस बिल के खिलाफ जो उसमें कहा गया है उसको गौर से समझिए, उसमें क्या बोला गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में जितने माइनॉरिटीज हैं, 5 मिनट बाद तो खत्म कर देंगे, जितने माइनॉरिटीज हैं जो प्रताड़ित किए गए हैं उनको हम यहाँ नागरिकता देंगे, जो वहां से हम आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे इन 3 देशों से। अब बताइए माइनॉरिटी इन 3 देशों से आप क्यों लिए, हिंदुस्तान के जो बॉर्डर में आप देखिएगा तो तिब्बत भी आता है, चाइनीज जो है कितना सताया क्रिश्चियन को, तिब्बत से वापस आए, उसके बाद म्यांमार बर्मा में आप जाने रोहिंग्या के साथ क्या किया गया, तो बर्मा तो आपका मुस्लिम कंट्री नहीं है, वो भी तो बौद्ध कंट्री है, तो बौद्ध में माइनॉरिटी को सताया गया तो उनको भी आप नागरिकता दीजिए। अगर आप इधर दे रहे हैं, किधर दे रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान को लेकर माइनॉरिटी को प्रताड़ित किया जा रहा है इसलिए हम यहाँ इसको नागरिकता दे रहे हैं, तो यहाँ भी तो धर्म, यहाँ भी तो बौद्ध मुल्क है, श्रीलंका भी बौद्ध मुल्क है, वहाँ भी तमिल हिंदू को निकाला, उन लोग प्रताड़ित करके यहाँ वापस आए हिंदुस्तान में, तो इनको क्यों नहीं लिया गया। अब तमाम जो हिंदुस्तान के जितना बड़ा दिल है आपका, सबका साथ सबका विकास, अब जोड़ दिए सबका विश्वास, लूट लिए इस देश को, बर्बाद कर दिए, ये नारा से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। आप मैदान में कुछ बोलते हैं, मकान में कुछ बोलते हैं। अब एक बात आई कि गृह अमित शाह ने कहा है कि क्या बोले थे एंकर साहब, 21 को किसी को नहीं निकाला जाएगा, किसी को नहीं निकाला जाएगा, तो हम बोलते हैं जब किसी को निकाला नहीं जाएगा आप कहाँ ये बात बोले कि नहीं निकाला जाएगा, मैदान में बोले कि पार्लियामेंट में बोले हैं, पार्लियामेंट में मेरी स्पीच है उसकी, उस बंदे ने कहा, अमित शाह ने कहा तड़ीपार ने, कि एक एक को चुन चुन के निकाला जाएगा। तो जब आप नागरिकता दे रहे हो तो निकाल किसको रहे हैं ये आप क्लियर कीजिए। जब आप बोल रहे हैं कि नागरिकता दिया जाएगा, अभी मोदी उदी का बात आप लोग कम सुनिए, अमित शाह की बात ज्यादा सुनिए, जो बोल रहे हैं उसका मायने नहीं रखता, अमित शाह जो बोल रहा है उसका मायने कीजिए, उसकी बात को ज्यादा पकड़िए। गृह मंत्री जो गृह मंत्री है पूरे मंत्रालय का हेड है वो। अच्छा योगी आदित्यनाथ के बारे क्या कहें, उसका बयान आया है कल नहीं परसों शायद आया है बयान, वो औरतों के बारे कहे, मुसलमान औरतों के बारे क्या कहेंगे उसके बारे। देखिए योगी के बारे में नहीं जान लीजिए, जिस चीज़ के लिए उसको लाया गया वो काम कर रहा है, गोबर गधा बैल घास के लिए लाया गया है उसका मुख्यमंत्री, वो अपना काम कर रहा है, उसकी देश का रक्षा सुरक्षा के लिए नहीं आया है, उसको जो जानता है वो कर रहा है, जो वो जानता है गाय गोबर गधा यही सब करेगा, इसके अलावा उसको नहीं आता, उससे उम्मीद रखना भी, उससे उम्मीद रखना भी अपने आप में वो थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, इसलिए कि हम अगर किसी से उम्मीद करते हैं पुराने का तकलीफ होता है, तो उससे उम्मीदें मत रखिए, और जो बोलता है उसको बोलने दीजिए, डेमोक्रेसी है उसको बोलने दीजिए, हम तो बोल रहे हैं अनडेमोक्रेटिकल, आप बोलिए भाई, आपको बोलिए, आपको पता तो चले कि कैसे 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 जहनीत के लोग हैं, हमारी बात भी आएगी, हम भी आप हमसे पूछिए कि हम क्या कहते हैं हिंदुस्तान के बारे में। तो आप लोगों का इरादा क्या है, अभी आज का प्रोटेस्ट कर लिया आप लोग, इसके बाद का क्या इरादा, आप लोग क्या करना चाहते हैं। देखिए जब तक ये बिल वापस नहीं होगा ये प्रोटेस्ट ऐसे ही होते रहेंगे, मतलब मुसलसल आप लोग ऐसे ही बैठते रहेंगे, इसलिए होगा, देखिए निकलते रहेंगे, इसलिए देखिए उसका भी जवाब देंगे, इसलिए इसलिए प्रोटेस्ट होता रहेगा, इसलिए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो कानून बनाया गया उसमें छेड़छाड़ किया गया। और इस पर छेड़छाड़ गोया की अब हिंदुस्तान का एक जो है ना आप पिलर को आप तोड़ रहे हैं जिससे हिंदुस्तान टूट रहा है, तो इसको वापस लेने पर कोई उपाय नहीं। चलिए और कुछ चलिए, अब देखिए हमारे सामने कुछ अहम रुकन है जो इस कमेटी जो इस बिल के खिलाफ जो सेंट्रल कमेटी है उस बिल के खिलाफ लगातार मुजाहरा कर रहे हैं और लोगों को करिया करिया गांव गांव जाके लोगों को इस बिल के बारे में बताया जा रहा है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि इस काले कानून से आपको अपना जो है अपनी बात को रखना है और इस काले कानून को आपको बोलना सरकार को वापस ले। इसकी ताल्लुक से कुछ सवाल किया जाएगा, ये हमारे अख्तर भाई साहब पगमिल से हैं, जाने माने शख्स हैं। अख्तर भाई से लिवाइए, अख्तर भाई बोलेंगे, अख्तर भाई मेरी मेरा आपसे लिख के रखो तो घर पर लाए नहीं, अख्तर भाई बोल दीजिए ना भाई जो बोलना है। मेरा आपसे सवाल है कि ये जो प्रोटेस्ट है इसका वाहिद मकसद आप बताइए चंद लफ्जों में। ये वाहिद मकसद है कि ये बिल जो है सो खास करके जो CA है इसको वापस लें, NRC आपने जो लाया था, एक मिनट CAA वापस लें, क्यों लें? वो इसलिए लें कि इसमें जो है सो आप जो है सो आप एक मुस्लिम यूनिटी को अब उसको देश से बाहर करना चाह रहे हो,
जबकि गृह मंत्री ने कहा कि किसी को जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसलिए कि ये झूठ के सहारा लेकर ये गद्दी पाए राज कर रहे हैं, चूंकि झूठ इसका बिल्कुल साबित हो चुका है। ये 2014 में ये आए कि हम काला धन विदेश से हम लाएंगे और हम लोगों को जनधन खाता में हम जोड़ेंगे और सबको 15-15 लाख रुपए हम देंगे। और ये 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे खाता खुलवाए गए 5500 रुपया दे करके और अरबों डॉलर रुपया वो अपने खाता में वो अपने ले लिया। ये तो पहला झूठ हो गया। अभी जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा है रिसेंटली, वो कहते आ रहे हैं, पता नहीं खौफ से कहते हैं या डराने के लिए कहते हैं, कि एक इंची भी नहीं हटेंगे। तो एक इंची के बारे में आप क्या बोलिए? मत हटिए, आप एक इंची नहीं हटिएगा तो हम एक सेंटीमीटर भी नहीं हटेंगे आपसे। हम आप हैं कौन? हम तो देश को आज़ाद किया है ना। आप नहीं आज़ाद किया है, आप आरएसएस का आदमी है, आप आज़ाद नहीं किया। आज़ाद हम किए हैं, मेरा बाप और दादा आज़ाद किया है। हम अपने एक खून दे करके और फिर से संविधान को हम वापस लाएंगे जो हमारे बाबा साहब ने जो बनाया था। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं तमाम हिंदुस्तान वासी को? दो लाइन में अपनी बात को रखिए। मैं तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सब के सब एक प्लेटफार्म पर आइए और आ करके इस झूठे को और इस जालिम बादशाह को, इस हिंदू